उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी में आजाद भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने 3 बिल अध्यादेश को जो किसान विरोधी पारित हुए हैं उनको वापस कराने के लिए और सहारनपुर हाथरस बलरामपुर बाराबंकी में हुए अपहरण एवं रेप की घटनाओं के साथ साथ पुलिस द्वारा गुंडागर्दी के विरोध में गन्ना दफ्तर में प्रदर्शन कर नारेबाजी की और जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। आइए देखते हैं बाराबंकी से संवाददाता लोकेश कुमार यादव की खास रिपोर्ट। हम लोग की मेन समस्या ये है कि जो हमारी सारी जनता है, महिलाएं बहनें पुरुष भाई बहन सब सभी लोग त्रस्त हैं, उन्हें कहीं से न्याय नहीं मिल पा रहा है। अगर उनकी कोई समस्या है तो उसका कोई समाधान करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी अधिकारी अपनी जवाबदेही देने के लिए तैयार नहीं है। और मेन समस्या यहाँ इस समय है कि जितने भी ये गांव देहात बेचारे किसान आए हैं इनकी परेशानी है कि अगर ये थाने जाते हैं तो वहाँ उनकी सुनवाई नहीं होती है। इनकी माँ बहनें लड़कियाँ जो गायब होती हैं या जिन पे कोई अत्याचार या ऐसा कोई दुष्कर्म कर रहे हैं उनकी कोई भी सुनवाई नहीं की जाती है, उन्हें सिर्फ पड़ताड़ना मिलती है, वहाँ से भगाया जाता है। या तो वो ज्यादा पैसे वाले हों या फिर अब ज्यादा ऊंची पहुंच वाले हों उनकी ही वहाँ पे सुनवाई होती है, अदरवाइज किसी कोई सुनवाई नहीं होती है। इसलिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं अपनी अपनी बात अपनी अपनी समस्याओं के साथ कि हमारी कोई सुनने वाला कोई अगुवाई करने वाला हो। नाम सरिता है। सरिता, हाँ। आपके पद का क्या नाम है? राममिलन। राममिलन, आप कहाँ के निवासी हो? कोठी। कोठी, हाँ, खास कोठी कस्बा। अच्छा, आज आप गन्ना दफ्तर आए हैं, हाँ। आपको क्यों आने पर क्या समस्या, पूरी बात बताइए। हम यहाँ इसलिए हैं कि आज 19 दिन हो गई हमारी लड़की गायब है। लड़की क्या नाम है? चंदा नाम है। अच्छा, और फजलू रिजवान गायब करवाया 5 बजे शाम को जी। काम करके हमारी लड़की घर जाती थी, रास्ता से उठवा दिया। अच्छा, और हमारी कहीं सुनी नहीं जाती है। संज्ञान में आपके 7 साल पहले भी आपकी लड़की के साथ की घटना हुई थी? हाँ हुई है। 7 साल की लड़की थी, उनका हमारा मुकदमा 6 साल हो रहा चल रहा कोर्ट पे। मुकदमा में निर्णय होने वाला है, हाँ। तो उसी वजह से तो नहीं किया है? हाँ, उसी वजह से किया है कि लड़की कोर्ट पर बयान दे देगी तो हमारा केस छूट जाएगा, इसीलिए जो लड़की को गायब करवा दिया गया। इससे कि आज जो है 4 महीना पहले से कहते थे कि लड़की को गायब करवा देंगे तो जो उन्हें केस छूट जाएगा, इसीलिए हमारी लड़की को गायब करवाया है। आप मीडिया के शासन प्रशासन से क्या कहना चाहती हैं? कहना चाहती कि हमारी लड़की मिले और हमारी सुनी जाए। धन्यवाद।